राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 199 में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस ने सिर्फ 69 सीटों पर ही जीत पाई है। अब सवाल ये है कि बीजेपी को आखिरकार इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई और कांग्रेस की हार कैसे हो गई। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मोदी मैजिक ने। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी मानने लगी है कि भारत की सियासत में पीएम मोदी एक बड़ा ब्रांड है। राजस्थान में बीजेपी को मोदी मैजिक का खूब फायदा मिला। मैदान में पीएम मोदी उतरे तो समीकरण ही बदल डाले। कांग्रेस के ओबीसी फेस के आगे बीजेपी का ओबीसी फेस भारी पड़ गया। वैसे भी पीएम मोदी के नाम पर हर जाति और वर्ग का समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन अक्टूबर में एनडीटीवी ने जो ओपिनियन पोल कराया था उसमें राजस्थान की 55% जनता मोदी सरकार के काम से पूरी तरह खुश थी। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए हिंदू तो हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने मुद्दा उठाया, खासकर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पार्टी आक्रामक नजर आई। वहीं दूसरी ओर नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा बालकनाथ को चुनाव में पार्टी ने खूब अहमियत दी और आखिरी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। ये बीजेपी की जीत का अहम फैक्टर रहा है। बीजेपी ने गहलोत सरकार में पेपर लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाया। सियासत से जुड़ी लाल डायरी का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इसे खूब उछाला और इस पर गहलोत सरकार ने जवाब भी दिया था। फिर भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने इस बार सांसद और मंत्री समेत कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था। सांसदों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ, दिव्या कुमारी, किरोड़ी मल मीणा, देवजी पटेल चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी सरकार के विकास कार्यों का खूब प्रचार किया। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र भी काम आया। जनता ने दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति को खूब पसंद किया और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये सभी फैक्टर दुश्मन साबित हुए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे कई वजह दिख रही है, जैसे कि पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह कांग्रेस को ले डूबी, भ्रष्टाचार और अन्य कई मुद्दों पर गहलोत सरकार अपने जवाबों से जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। पहला वजह, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अंदरूनी गुटबाजी से काफी नुकसान हुआ। पार्टी में अशोक गहलोत के गुट और सचिन पायलट के गुट में लड़ाई सार्वजनिक हुई और फिर लंबे समय तक तकरार चलती रही। इस गुटबाजी का असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा और जनता पर भी। पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। बाद में भले ही दोनों के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन पूरे चुनाव में गहलोत और पायलट के बीच दूरियां बनी रही। पार्टी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। दूसरी मेन वजह है कि बीजेपी ने कन्हैयालाल हत्याकांड को मुद्दा बनाया तो कांग्रेस सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। कांग्रेस के पास हिंदुत्व का कोई चेहरा भी नहीं था जो नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ के सामने ठहर सके। कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रदेश में ध्रुवीकरण रोकने में नाकाम रही और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तीसरी वजह, अशोक गहलोत ने कई लुभावनी योजनाएं लागू की। हिमाचल प्रदेश की तरह यहां भी चुनाव में कांग्रेस ने 7 गारंटियां लॉन्च की। चिरंजीवी योजना को बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस जनता को इन योजनाओं के फायदे बताने में फेल हो गई। इसके बाद चुनाव हारने के बाद गहलोत ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। इतना ही नहीं बल्कि इस्तीफा देने से पहले कहा कि राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। उन्होंने नई सरकार को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी।